पीएम केयर्स फंड पे हो गया खेला, सरकार बोली हमारा नहीं। मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, पीएम केयर्स फंड सरकारी नहीं। पीएम केयर्स फंड को मोदी सरकार ने बताया निजी ट्रस्ट। 2020 के शुरुआत में देश में कोरोना महामारी ने दस्तक दी। अचानक से कोरोना के मरीजों की संख्या भारत में बढ़ने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक रात 8 बजे टीवी पर आकर पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही पूरे देश से इस दौरान दिल खोलकर देश के नाम पर दान की अपील भी की और ये दान मांगा गया पीएम केयर्स फंड के नाम पर। उसी समय सवाल उठे थे कि जब देश के प्रधानमंत्री राहत कोष में पहले से ही मौजूद है तो फिर पीएम केयर्स फंड की जरूरत क्या पड़ गई? लेकिन अपील पीएम मोदी ने की थी और पीएम की लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोल रही थी, क्योंकि 10 महीने पहले ही केंद्र में उनकी सरकार दोबारा और पहले से भी बड़े बहुमत के साथ वापस लौट कर आई थी। 1970 के बाद यह पहला मौका था जब कोई सरकार 5 साल बाद फिर पूर्ण बहुमत के साथ वापस लौटी हो। ऐसे में पीएम मोदी की अपील ने काम किया, लोगों ने दिल खोलकर पीएम केयर्स फंड में दान दिया। लेकिन अब सरकार बता रही है कि पीएम केयर्स फंड सरकारी नहीं था, ये तो निजी ट्रस्ट था। वो बात अलग है कि ट्रस्टियों में अधिकांशता केंद्रीय मंत्री ही शामिल थे, लेकिन था तो ये एक निजी ट्रस्ट ही। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि पीएम केयर्स फंड भारत के संविधान, संसद या किसी राज्य के कानून के तहत नहीं बनाया गया है, इसलिए इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता है। ये एक इंडिपेंडेंट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और इंडिपेंडेंट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट भारत के संविधान के दायरे में नहीं आते हैं। सरकार ने यहाँ तक कहा कि ट्रस्ट को ना तो सरकार ने बनाया है और ना ही किसी सरकारी संस्थान ने बनाया है, और ना ही सरकार और सरकारी संस्थाएं इसे फंड देती हैं, और ना ही उस पर कोई नियंत्रण रखती हैं। केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपा है उसमें आगे कहा गया है कि ट्रस्टी बोर्ड के स्ट्रक्चर में पब्लिक ऑफिस के एक्स ऑफिस होल्डर भी शामिल हैं। पीएम केयर्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस और पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा को भी शामिल किया गया है। इसलिए पीएम केयर्स फंड को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कहा जाता है जो केवल स्वैच्छिक डोनेशन स्वीकार करता है, न कि केंद्र सरकार का बिजनेस। पीएम केयर्स फंड को सरकार की तरफ से फंड या वित्त नहीं मिलता है। दरअसल पीएम केयर्स फंड को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान ने कहा कि उपराष्ट्रपति जैसे सरकार के उच्च पदाधिकारियों ने राज्यसभा सदस्यों से डोनेशन लेने का अनुरोध किया था, साथ ही पीएम केयर्स फंड को सरकारी रूप से पेश किया गया है, इसलिए ये आरटीआई के दायरे में आता है। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने दलील में जवाब दिया कि पीएम केयर फंड आरटीआई अधिनियम धारा 2H के दायरे में पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ये एक निजी ट्रस्ट है। पीएम केयर्स फंड में कोई सरकारी फंड जमा नहीं किया जाता है, ये केवल बिना शर्त के है और स्वैच्छिक है। दरअसल इससे पहले जुलाई 2022 में भी पीएम केयर्स फंड को लेकर हाईकोर्ट ने हलफनामा पेश किया था, लेकिन इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार की ओर से एक पेज का हलफनामा देखकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने नाराजगी जताई थी। पहले दिए गए हलफनामे में भी सरकार की ओर से कहा गया था कि ट्रस्ट का फंड भारत सरकार का फंड नहीं है, ना ही इसकी राशि भारत के कंसोलिडेटेड फंड में जाती है। यानी साफ है कि जिस पीएम केयर्स फंड का मोदी ने प्रचार किया, जिसका नाम पीएम के नाम पर रखा गया, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।